नौकरी तो हर किसी को चाहिए और हर कोई करना भी चाहता है। नौकरी मिल जाए, अच्छी सी नौकरी हो, अच्छी सी जॉब हो, तो जीवन यापन अच्छा हो सकता है। तो इसी सब चीज को देखते हुए ही भारत सरकार की तरफ से एक नई योजना शुरू की गई, जिसका नाम है पीएम इंटर्नशिप योजना। इस योजना के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि क्या इसके फायदे हैं या नुकसान है, या यंग जनरेशन इसको कैसे इंप्लीमेंट करके अपना कैरियर शेप कर सकता है आने वाले समय में, और एक अच्छी जॉब कैसे ले सकता है, या जॉब्स के लिए क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में देखेंगे डिटेल में, कितनी तनख्वाह होगी, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, क्या योग्यता है ना, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। पीएम इंटर्नशिप योजना जो कि अभी हाल ही में शुरू किया गया है, इस योजना के बारे में। देखिए, पीएम इंटर्नशिप योजना का जो मेन मकसद ये है कि जो इंडस्ट्री है, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और छोटी कंपनियां हैं, उन सभी में इंप्लॉयमेंट को इंक्रीज करना। कहने का मतलब जो यंग जनरेशन है, जो 11 21 साल से लेकर के 24 साल की जो एज के लोग हैं, 21 साल से 24 साल के जो लोग हैं, जो यंग हैं, वो जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए भारत सरकार की तरफ से पीएम इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की गई है। इसका जो मेन मकसद था ये था कि अभी बजट में ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, जो 24-25 का जो बजट आया है उसमें किया गया था, कि जिसमें आने वाले 5 साल में लगभग 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने की योजना बनाई गई है। इसमें कहने का मतलब कि लगभग 1 करोड़ युवा ऐसे होंगे जिनको ट्रेन किया जाएगा कि जॉब कैसे करनी है, जॉब के क्या क्राइटेरिया होते हैं, या किसी कंपनी में काम करके उनको आइडिया मिलेगा कि क्या क्या काम होता है कंपनियों में, उन सभी के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है, ये योजना इंफॉर्मेशन देती है, पीएम इंटर्नशिप योजना। इसके लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी हम समझते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि इसमें आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 21 साल से लेकर के 24 साल तक की एज होनी चाहिए, और इसमें भारत सरकार ने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि इनमें कोई छूट भी दी जाएगी। लाइक जैसे होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब में आपको छूट मिलती है कि आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, या विकलांग हैं आप, या दिव्यांग हैं, तो उसमें एक रिलैक्सेशन होता है, एक छूट होती है, लेकिन इस योजना में ऐसी कोई छूट की कोई प्राविधान नहीं है। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो दिया गया है, इसमें वो एक क्राइटेरिया वाइज दिया गया है कि आप 10वीं से लेकर के, कहने का मतलब यदि आप 10वीं किए हो या आईटीआई किए हो, 10वीं से लेकर क्लास 10वीं से लेकर के उसके हायर लेवल तक, कि 11वीं 12वीं आपने कर रखी है, ग्रेजुएशन आप हैं, या आपने बीएड किया है या एमए किया है, जो भी क्वालिफिकेशन है वो सारी क्वालिफिकेशन आपको अपलोड करनी होगी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है पीएम इंटर्नशिप .mic.gov.in। यह ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करके आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपने आप वहाँ पे अपलोड करने होंगे। लाइक जैसे आपका आधार कार्ड हो सकता है, फोन नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, उसमें पैन कार्ड होगा आपका, और अकाउंट नंबर भी होगा, क्योंकि जो पैसा आपका इसमें मिलेगा वो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन जो होते हैं, पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन जो गवर्नमेंट स्कीम से पेमेंट आती है उसी के जरिए ही पेमेंट इसमें होगी। और लगभग इसमें जो इंटर्नशिप मिलेगी देश के युवाओं को, लगभग 580 टॉप लेवल की कंपनीज होंगी जिसमें इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं इंटर्नशिप होता क्या है। देखिए, इंटर्नशिप का जो मेन मकसद ये होता है कि जब आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं और आपको उस कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, काम है, उसके बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आप वहां रह करके उस कंपनी का काम सीखते हैं, ये कंपनी क्या क्या काम करती है। पर उदाहरण के तौर पे आप समझिए, ऐसे जैसे ये आपने एक कंपनी ज्वाइन किया, उस कंपनी का जो काम है वो फाइनेंस रिलेटेड है, कि वो कंपनी क्या करती है, फाइनेंस की सर्विस देती है। तो सबसे पहले आपको ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए, जैसे अकाउंट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो वहां रह के आप उसको सीखते हैं कि अकाउंटिंग कैसे होती है, बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, प्रिंट आउट कैसे करना होता है, या कंपनी क्लाइंट को मेल कैसे करना है, कस्टमर्स कैसे बात करनी है, ये तमाम चीजें जो उस प्रोजेक्ट में, उस कंपनी में होती है, वो आपको सीखना होता है। या उदाहरण तौर पर दूसरी कंपनी समझिए, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो कंपनी ऐसी है जो पार्ट बनाती है, लाइक जैसे कार का कोई पार्ट है, या बस का कोई पार्ट है, मान लो इंजन का कोई पार्ट है, या टायर कोई बनाती है कंपनी, टायर कंपनी बनाने वाली कंपनी में क्या क्या काम होता है, वो सारे काम वहां पे आप रह के सीखते हैं काम को। फिर जब इंटर्नशिप आपकी पूरी हो जाती है, 6 महीने 1 साल का जो टाइम पीरियड होता है, फिर कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि उन्हीं इंटर्नशिप जो कैंडिडेट होते हैं उनको परमानेंट वहां पे इम्प्लॉयमेंट दे देती है। यही होता है इंटर्नशिप का क्राइटेरिया, कि शुरुआत तौर पे आप वहां पे रह के सीखते हैं और कुछ एक नॉमिनल सा आपको पैसा दिया जाता है,
जीवन यापन के लिए, लाइक आपको रहने खाने के लिए पैसा दिया जाता है 10-12-15 हज़ार ऐसे ही मिलता है। उसके बाद जब आप सीख जाते हैं काम, तो फिर आपकी सैलरी तनख्वाह बढ़ जाती है 20 से 25 हज़ार भी हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन योर क्वालिटी और आपके नॉलेज के हिसाब से है। तो ये होता है इंटर्नशिप का प्रॉपर जो एक सिस्टम है, यही होता है। अब पीएम इंटर्नशिप में क्या है, सेम चीजें वही इम्प्लीमेंट हुई है। लगभग इन्होंने जो दे रखा है कि जो 25 तक का जो विद ईयर है, इसमें 2025 तक 1,25,000 युवाओं को इंटर्नशिप कराने का जो टारगेट बना रखा है उन्होंने, कि पूरे भारत में जो भी ग्रेजुएट हैं, हाई स्कूल पास हैं, 12वीं पास हैं, उन सभी के लिए लगभग 1,25,000 युवा ऐसे होंगे जो इंटर्नशिप उनको दिया जाएगा, उनको रोजगार का माध्यम दिया जाएगा और रोजगार करते हुए वो सीखेंगे आगे। तो ये इस स्कीम का मेन कंसर्न है, मेन मोटो है। अब इसमें देख लेते हैं कि कुछ इसमें चीजें ये भी दी गई हैं कि इस स्कीम में चुने गए कैंडिडेट्स को केंद्र सरकार 6,000 रुपए देगी। देखिए केंद्र सरकार कुछ पैसे देगी, कुछ कंपनी वाले पैसे देंगे, मिला के 10-12 हज़ार के आसपास आपका बनेगा। और एक साल तक एक हर महीने उन्हें केंद्र सरकार की ओर से 4,500 रुपए कंपनी की ओर से मिलेगा, 500 रुपए और कंपनी की ओर से 500 रुपए मिलेगा। टोटल इसमें आपको 5 से 6 हज़ार का ऑप्शन दे रखा है और यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट जो होगा ट्रांसफर के जरिए आएगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा पैसा। कहने का मतलब नॉमिनल से इसमें सैलरी मिलेगी, बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा लेकिन सीखने को मिलेगा। अब एक चैलेंज यह आएगा इसमें कि आपको 5,000, 6,000 या 10,000 भी मिलता है, आप मान लो रहते हो बिहार में और आपको नौकरी मिल गई मान लो कि मुंबई में, तो आप 5-6 हज़ार में कैसे सर्वाइव करोगे? आप वहाँ रूम रेंट भरोगे, खाना खाओगे, कपड़े देखो क्या करोगे, तबीयत खराब हुई, बीमार हुए, तो 5-6-10 हज़ार में क्या होगा आपका? शायद बहुत मुश्किल होगा सर्वाइव कर पाना। मे भी हो सकता है इसमें कुछ और सैलरी का क्राइटेरिया और बढ़े, 5-6 हज़ार से भी ज्यादा मिले, 10-12-15 हज़ार भी मिल सकता है। लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल है कि 5 से 6 हज़ार का इन्होंने दे रखा, केंद्र सरकार 6,000 रुपए देगी हर महीने और इसके बाद एक साल तक हर महीने उसे केंद्र सरकार 4,500 रुपए और 500 रुपए कंपनी की तरफ से और दिया जाएगा इसमें। तो ये कुल मिला के 5-7 हज़ार रुपया इसमें मिलेगा। और इसमें ऑफिशियल देख लीजिएगा क्या क्या और क्या उन्होंने कुछ और दे रखा होगा, ये न्यूज की कटिंग है तो मे भी हो सकता है कुछ बहुत थोड़ा फ्लक्चुएट हो सैलरी के बाद में, बाकी चीज तो एज यूजुअल है। इसमें जो आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बता दिया, ये ऑफिशियल वेबसाइट आप फॉलो कीजिएगा, ये आपको फॉलो करना है, इसी पे जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। और ये 12 तारीख से शुरू हो जाएगा, इसके लिए एज लिमिट है 21 साल से 24 साल आपकी उम्र है तभी अप्लाई कर सकते हैं आप, 25 साल 26 साल वाले भूल जाओ वो अप्लाई नहीं कर सकते थे आप, तो उसमें एज लिमिट दी गई है। जो कि वैसे 21 साल से 24 साल सही देखे हो तो ये भी एज लिमिट उतनी सही नहीं है, रीजन बिहाइंड मैं बताता हूँ क्या कारण है। किसी भी व्यक्ति को ग्रेजुएट कर होने में या बीए होने में 21 साल से ज्यादा समय लग जाता है, तो 21 साल वो करियर शेप करने के बजाय कंपनी में जाएगा डायरेक्ट जॉब करने, वो भी एक बहुत कठिन काम कि शायद वो कर पाए, अपना करियर छोड़ के जाएगा। इसका एक टाइम पीरियड होना चाहिए, कम से कम 21 साल से 30 साल तक का टाइम होना चाहिए, ताकि 8-9 साल के बीच में मान लो 24-25 साल लोगों को पढ़ते समय लग जाता है, उसके बाद कोई पहले भी जा सकता है कोई बाद में भी जा सकता है, तो ऑप्शन ऐसा होना चाहिए ताकि उन लोगों के लिए भी जॉब मिले जो बीए एमए बीएड करने के बाद भी नौकरी नहीं मिले तो वो कहाँ जाएंगे। तो ये एक चैलेंज रहेगा, मे बी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो इसके लिए एज लिमिट को थोड़ी सी बढ़ाना चाहिए, यहाँ पे कम से कम 30 साल करनी चाहिए, क्योंकि 24-25 साल के बाद ही लोगों को जॉब की आवश्यकता होती है। 21-22 साल तक तो लोग घर वाले भी संभाल लेते हैं, चलो ठीक है पढ़ो लिखो हम पैसे दे देंगे, लेकिन 25 साल के बाद लिए प्रॉब्लम होगी, तो 25 साल के बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप कहाँ जाओगे काम करने। तो ये डिसीजन आई थिंक गलत है, इसको एक्सटेंड करना चाहिए, कम से कम 25 साल से बजाय 24 के बजाय 30 साल होना चाहिए फिलहाल। और इसमें जो दिया गया है इसमें कि इसके बाद मंत्रालय की एक टीम तय करेगी, पैमाना कैंडिडेट बनाएगी कि 26 अक्टूबर को कंपनियों को दे दिया जाएगा, यानी आप अप्लाई करेंगे जैसे ही उसके बाद आपका डेटा जो होगा कंपनी को दे दिया, कंपनी फिर इसके बाद कंपनी अपनी जरूरतों के आधार पर 27 अक्टूबर से लेकर के 7 नवम्बर तक कैंडिडेट की लिस्टिंग करेगी। कहने का मतलब क्या है, आपको जो क्वालिफिकेशन होगा, आपके नॉलेज जो होगा, उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। फिर इंटरव्यू का भी प्रोसेस है या क्या प्रोसेस है वो आगे नेक्स्ट स्टेज है, शॉर्ट लिस्ट करेगी, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा वो कंपनी डिसाइड करेगी कैसे कैसे किसको देना है। चुने गए कैंडिडेट के पास ऑफर स्वीकार करने के लिए 8 तारीख से लेकर के 15 नवंबर तक का समय रहेगा कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं इन कंपनी में जाना है किस कंपनी में नहीं जाना है, ऑनलाइन सारा कुछ अवेलेबल रहेगा। अगर आपको ऑफर पसंद नहीं आया तो दूसरा और तीसरा ऑफर भी दिया जाएगा, जरूरी नहीं कि जिस कंपनी ने पहला ऑफर दिया है
वही दूसरे तीसरे बार भी देगा, कंपनी चेंज हो जाएगी। यदि आपको पसंद नहीं आता काम तो आप चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरी उम्मीद है कि 2 दिसंबर से 1 लाख युवाओं की इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। इनका ऐसा मानना है गवर्नमेंट का कि 2 दिसंबर से हो सकता है 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप शुरू हो जाए, तो ये एक अच्छी बात है इंटर्नशिप के लिए। इसमें एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं इन शॉर्ट में कि 3 तारीख से इसका पोर्टल शुरू हो चुका है, बट रजिस्ट्रेशन जो कम्प्लीटली होगा वो 12 तारीख से शुरू होगा कम्प्लीट। और इसमें पिछले साल खर्चे गए 3-500 कंपनियां स्कीम में शामिल हुई थी, इसमें गवर्नमेंट ने पहले से ही प्लान बना रखा था। इसमें कई सारी कंपनियां नॉमिनेट हुई हैं, उन्होंने अपना यहाँ पे लिस्टिंग कर रखा है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, कि वहां पे उन्होंने अपना डिटेल डाल रखा है। लगभग 500 से ज्यादा कंपनियां हैं, उन्होंने अपना डिटेल डाल रखा है और कंपनी भी वहां पर अप्रोच कर रही है, साथ में गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है इंटर्नशिप के लिए। अब सैलरी का क्या क्राइटेरिया है वो सिलेक्शन होने के बाद पता लगेगा कितनी सैलरी एक्चुअल में मिलती है। अभी तो रफ तफ आइडिया दिया है, लेकिन हो सकता है इससे ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो ये स्कीम जो दी गई है, ये स्कीम एक बहुत ही इनिशिएटिव है, अच्छी स्कीम है भारत सरकार की तरफ से। इसके फायदे भी हैं, नुकसान एक दो जगह थोड़ा सा लग रहा है। एक तो सैलरी का थोड़ा सा ऐसा लग रहा है नुकसान कि मे भी हो सकता है कि 8-10 हज़ार रुपये में सर्वाइव करवाना किसी भी शहर में बहुत मुश्किल होगा। दूसरा, एज लिमिट के लिए इसमें जो है वो क्राइटेरिया थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। रीजन की 21 साल से लेके के 24 साल तक के बच्चों का पढ़ने का ही एज होती है, करियर शेप करने की एज होती है। उसी टाइम पे हर कोई प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकता है या किसी और भी जगह स्किल नहीं सीख सकता है। तो गवर्नमेंट को इसको चाहिए कि इसके साथ साथ स्किल का भी प्राविधान ऐसा हो कि स्किल के लिए भी दिया जाए ऐसा ऑप्शन, या वर्क फ्रॉम होम का ऐसा ऑप्शन दिया जाए कि उसके जरिए कुछ को ऐसा काम किया जाए ताकि वो बच्चे स्टडी के साथ भी अपना कुछ काम कर सकें या कुछ स्किल को डेवलप कर सकें। वो भी ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए और एज लिमिट थोड़ी बढ़ानी चाहिए। उससे क्या होगा कि जो हायर एजुकेशन है जिसको करना है उसको साइड बाई साइड इनकम का कुछ सोर्स बनाना चाहिए, उस पर भी काम करना चाहिए। तो ये वीडियो शेयर कीजिए उन सभी के लिए जो इंटरेस्टेड हैं पीएम इंटर्नशिप के लिए इनरोलमेंट करने के लिए, उनको शेयर कीजिए और मोस्ट वेलकम, आप अप्लाई कीजिए। उसके बाद देखिए करना ना करना वो आपके हाथ में है, फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। आप जाओगे तो नौकरी मिलेगी, नहीं जाओगे तो नहीं मिलेगी, इट्स ऑन यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से एजुकेशनल वीडियो मिलता रहे और आप जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।